हेलो दोस्तों, तुम लोग का एक और नए ब्लॉग वीडियो में ब्लॉग तो बनाता नहीं हूँ यार मैं, फिर मैं कंफ्यूज भी कैसे हो रहा हूँ। ओके सो आज हम फिर से हमेशा की तरह ये करने वाले हैं। या इसी को मीम रिव्यू कहते हैं। ओके तो आई गेस मैंने काफी सारी बातें कर ली हैं, हम लोग सीधा मीम की तरफ चलते हैं। कुत्ते ने औकात दिखा दी। What? भाई वो बंदा कह रहा है मैं जूतिया हूँ हैं, तो ये भेदभाव करने लगे हैं। भाई मैं नहीं बात कर रहा हूँ किसी कुत्ते से। When you are eating in a marriage. भाई ये relatable है। देख के खाना पड़ता है भाई, कहीं कैमरे वाला तो नहीं रिकॉर्ड कर रहा। पहले ऐसा भर भर के खा रहे होंगे। कैमरे वाला आया एकदम तमीज से। Me whenever I try to help my mom. भाई ऐसा ही होता है यार। लेकिन ये देख के मेरे को अभी एक बात भी याद आई है। एक बार मेरी मम्मी मेरे भैया को ऐसा 200 रुपए दे रही थी, कुछ बाहर से सामान लेके आना था, एंड मैं बीच में आया। मैं कहा नहीं, काम मैं करूंगा। मैंने लिए मम्मी से 200 रुपए और पूछा क्या क्या चाहिए, और मैं सब लिस्ट लेके दुकान तक गया। मतलब दुकान थोड़ी दूर थी, ऐसा टाइम लगा जाने में। और जब मैं दुकान पे पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ मेरी जेब में 200 रुपए ही नहीं है। भाई मैंने रास्ते में कहीं गिरा दिए थे, एंड फिर वो 200 रुपए मिले भी नहीं। तो हाँ मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है। माई मदर व्हेन शी कम्स बैक होम आफ्टर पेरेंट्स टीचर मीटिंग। डर लगता था मेरी मम्मी स्कूल में वो शिकायत न कर आए। स्पाइडरमैन गेट अवे फ्रॉम होम। भाई चौबीन कह रहा है ले जा रहा भाई स्पाइडरमैन। भाई स्पाइडरमैन इफ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया बिल्कुल ऐसा ही होता। क्या दिखा रहे हैं भैया, बड़ा दिखाइए, बढ़ती उम्र है उसकी। भैया बड़ा दिखाइए, मारते अंगच। अरे भैया बड़ा दिखाइए, उसको ना कपड़े 15 दिन में छोटे पड़ जाते हो। बोलो 2 साल तो चलने चाहिए ना भाई। सारे रिलेटेबल। हाँ, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है बहू। हाँ जा बरा ट्राई करूँ ये। जा रची भाई, ये अच्छा लग रहा है ना, हीरो लग रहा है। मैडम हाथ ऊपर करो। भाई बता रहा हूँ, मम्मी ऐसा कपड़े लेती ये सोच के लेती है कि जिंदगी भर पहनेगा ये लड़का ये कपड़े। भाई कपड़े खराब हो जाएंगे पर साइज कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, हमेशा बड़ा ही रहेगा। जब यमराज खुद आपका इंतजार कर वाह बेटे, ये लोग बास्केट कर रहे हैं। भाई वो ड्रिबल कर रहा था। फ्रेंड भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है। मी मुझे मेरे को सोने दे, मेरा टाइम हो रहा है सोने का। अब मैसेज वैसेज एक भी आ गया गलती से, फिर देख लियो घर ऊपर ऊपर आकर मारूंगा तेरे, घर पे आकर मारूंगा तेरे और मुंह हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। अब चुप रह ले और भाग जा। भाई परेशान कर देते हैं यार। हैवी ड्राइवर दीदी क्या हुआ, आपको भी वही लग रहा होगा जो हर इंडियन को लगता है कि अगर लड़की गाड़ी चला रही है तो एक्सीडेंट ही होगा। सोच बदलो, समाज बदले। गुड कट कट कट। नेक्स्ट सीन ले रहे हम लोग। आप एक काम करो, गाड़ी पैक कर लो। ओके।
ये तो वुमेन मूवमेंट हो गया भाई। गर्ल्स इंग्लिश वर्सेस बॉयज इंग्लिश। टॉक इन इंग्लिश? यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अपार्ट फ्रॉम यस एंड ऑफ कोर्स कैन यू से अ फ्यू मोर लाइंस? या शट अप। या शट अप भाई। रुको जरा सबर करो। आई एम हेल्प मी giving the rice to because पूरी कोशिश करी है बंदे ने, अब नहीं आई तो वो क्या करे है। 10-year-old me alone at home watching cartoon and eating suddenly remembered mom told me to see milk is on the gas and she arrived. भाई अम्मी आ गई है तब याद आ रहा है उसको कि हाँ गैस पे दूध रखा था, अम्मी ने देखने को बोला था। दूध सारा उड़ा दिया गया है। I can feel this भाई। Me, I'm not dramatic. Also me. भाई क्या नौटंकी पिल्ला आ रही है, लगा भी नहीं है उसको। Blowing my dad a kiss to see his reaction. Blowing my dad a kiss to see his reaction. भाई अरे तोड़ दिया। इंडियन ट्रेन नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है, जस्ट मिडिल क्लास थिंग। मेरी फ्रेंड को आईफोन चाहिए था, उसने घर पे एक दिन खाना नहीं खाया, नेक्स्ट डे उसके घर आईफोन आ गया। मुझे लगा वाह। मैंने भी नेक्स्ट डे अपने घर पे खाना नहीं खाया। आप नहीं सोच सकते कि दो दिन बाद मेरे घर पे एक जने का खाना कम बनने लगा। भाई हमारे घरों पे ऐसा ही होता है। तुम आईफोन की बात कर रहे हो, एक इंसान का खाना बचाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। ज्यादा कुछ नहीं, सीधा मुंह पे ही रिप्लाई करता हूँ। मैं चाइनीज हूँ, तेरे को लोग छेड़ते हैं चाइनीज चिंकी चिंकी करके। तो तू क्या करता है? अगर दोस्त नहीं होगा तो मैं जाऊंगा, आई विल कन्फ्रंट हिम। मैंने तेरे बोला अबे चाइनीज, अबे चिंकी, अबे कुंग फू, ऐसा मैंने बोला तेरे को? सोचा भी नहीं भाई। When teacher से आज वाइवा लास्ट रोल नंबर से स्टार्ट होगा। रोल नंबर वन, लास्ट रोल नंबर। माफ कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाहूँ, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ जी। नहीं सर, सर ये नहीं होना दूंगा मैं। होने नहीं दोगे मतलब क्या सर? ये आपत्तिजनक बात है सर ये। भाई मेरा सही था, मेरा रोल नंबर आता था बीच में, आगे से कर लो पीछे से कर लो तभी नंबर आ पाएगा मेरा। 30 रोल नंबर था, 60 बच्चे थे क्लास में। When I slapped relative's kid and he starts crying, me relative kid. उठ बैठो और देख, घर में किसी से मत कहना, वो हम परेशान होंगे, किसी से नहीं कहेंगे हम। भाई मैं तो कूट देता था भाई, जो बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा दबा के कूट दो, फिर बाद में भाग जाओ, जो कहेगा अपनी मम्मी से कह देगा। क्रश, आंटी विशाल कहाँ है? मॉम लैटरीन में है। मी फ्रॉम इनसाइड। मम्मी प्लीज यार ऐसे नहीं बोलना होता है। बोलो बाथरूम में, वॉशरूम में, लैटरीन में है, क्या होता है? टीचर कल से जो लेट आएगा उस पर फाइन लगेगा। ले मी। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? भाई मेरा स्कूल में ही कहने का मन था भाई, एक तो लेट में आया, मेरी आधी पढ़ाई रह गई, ऊपर से पैसे भी मैं ही दूं है, फीस तो दे रहा हूँ ना। ऐसे पढ़ाई करी, एग्जामिनेशन हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर देख के मैं खुश, मैंने कहा मेरे को सब आता है। मैंने उस दिन 18 एक्स्ट्रा शीट मांगी, 18 पूरी क्लास को लगने लग गया ये लौंडा टॉप मारेगा, और मेरे में भी आ गया टॉपर वाला एटीट्यूड। मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा था वैभव, पीछे मुड़ के कहता है राठी भाई फोर्थ का आंसर बता दे, और मैं इस मोमेंट पे ना सिर्फ उसका दोस्त नहीं हूँ, इस मोमेंट पे मैं क्लास का टॉपर हूँ। तो मैंने वही करा जो एक रिस्पॉन्सिबल टॉपर को करना चाहिए, मैंने बताया मैम को कि चीटिंग कर रहा है। थोड़ी देर में केमिस्ट्री के सर आए क्लास में, एक एक करके ना सारे बच्चों के पास जा रहे हैं, फिर मेरे पास आए, आगे कहते हैं यश डाउट्स, मैंने कहा जल्दी पूछो। कहते नहीं मतलब तुम्हें कोई डाउट्स? मैंने कहा एक बार हुआ था अपनी काबिलियत पे, पर आज नहीं। जिस इंसान के साथ तुम अच्छा करते हो और उस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया होता है उसको क्या बोलते हैं? वो शब्द बताओ उसको क्या कहते हैं? जलील। आप बहुत ही जलील इंसान हैं।
भाई उससे पूछ के उसको ही बोल दिया, ये क्या बात होती है। बिहेवियर मैनर्स इन द एग्जाम हॉल, टीचर मी। ये कैसा लिखने की एक्टिंग करते थे यार। मैं तो लिख ही रहा हूँ, मैं लिखता ही जा रहा हूँ, मेरा पेपर नहीं भर रहा है पर मैं लिख रहा हूँ। जब किस्मत ही खराब। उसको कैसे पता यार गेट कैसे खोलना है। अरे चचा कंट्रोल। चाचा का थोर आ गया भाई। He knew what he was doing. भाई केक खाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। POV, you annoyed your cat. ओ भाई भाई बस इसीलिए मेरे को बिल्लियां नहीं पसंदना है, छोड़ देती है यार। उड़ान भरती हुई पापा की परी। दीदी ऑलमोस्ट टूटी गई थी। When you are trying to act brave, but deep down you are scared AF. भाई तू भौंकी क्यों रहा है, तुझे डर लग रहा है। ओके तो आई गैस इसी के साथ आज के लिए काफी ज्यादा हो गया है। मैं तो ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे को मम्मी का कॉल आ रहा है, तो मेरे को अभी कॉल भी करना है, तो मैं जा रहा हूँ। बट तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को ऐसी और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। एंड हाँ, तुम कॉमेंट भी कर सकते हो तुम्हें अगली वीडियो किस चीज पर चाहिए, मैं बना दूंगा यार, मैं बैठा इधर इसीलिए हूँ। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं तुमसे मिलूंगा आगे और भी ज्यादा वीडियोस में। टिल देन बाय।